हरियाणा रोडवेज की चक्का जाम पर प्रदेश के राज्य मंत्री करणदेव कांबोज ने कहा कि हर प्रकार की सर्विसेज को बहाल करने के लिए प्रदेश सरकार ने पूरी तरह से उचित कदम उठाए हैं। लोगों को किसी प्रकार की समस्या न आए उसके लिए प्रदेश सरकार चिंतित है और उसके लिए सरकार प्रयास भी कर रही है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले और लोगों को आने जाने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। कुरुक्षेत्र में आज प्रदेश के राज्य मंत्री करणदेव कांबोज जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक लेने आए थे, जहां पर उन्होंने 14 शिकायतों का निवारण किया। उन्होंने दावा किया कि आज जो हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, वह हड़ताल निराधार हड़ताल है। इसमें किसी प्रकार का कोई तथ्य नहीं है, बिना वजह के रोडवेज कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने हरियाणा रोडवेज में जो नए ड्राइवर की भर्ती करने का जो बीड़ा उठाया है, जल्द से जल्द नए चालक रोडवेज की बसों को चलाएंगे, जिससे सारा काम सुचारू रूप से होगा। उन्होंने दावा किया कि प्राइवेट स्कूलों से और कई जगह से बसें चलाई भी जा रही हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में कहीं भी किसी भी व्यक्ति ने नहीं कहा कि उन्होंने रोडवेज की हरियाणा रोडवेज की बसें न चलने के कारण कोई दिक्कत आ रही है। उन्होंने खुद कहा कि प्रदेश की जनता खुद कह रही है कि रोडवेज कर्मचारियों के खिलाफ सख्ती बरतनी जरूरी है, क्योंकि हर बार यह लोग हड़ताल पर उतारू हो जाते हैं और प्रदेश सरकार भी इस मामले पर पूरी सख्ती बरत रही है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों पर एस्मा लगाया जा रहा है, अगर बिजली के कर्मचारियों ने कदम पीछे नहीं हटाया तो उन पर भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। आज अपने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में 14 शिकायतें थी और उसमें से कुछ शिकायतें जो है उनका समझौता हो चुका है और लोगों ने जिस बात को लेकर के शिकायत की थी उनको उसका समाधान मिल गया और कुछ कंप्लेंट ऐसी थी जिनमें हमने दोबारा से जो है ना इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है लिखा है और दोबारा से उनको इन्वेस्टिगेट करा करके जो भी इसमें तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर जो है ना अगली मीटिंग में उसमें कार्रवाई करेंगे और लोग इसलिए यहां ग्रीवेंसेज की मीटिंग में आते हैं कि उनको न्याय मिले और हमारा भी यही मकसद रहता है कि लोगों को यहां से न्याय मिले, लोगों का विश्वास बने कि ये प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा है जहां हम शिकायतें लेकर के आते हैं उसका हमने निवारण उन शिकायतों का निवारण होता है। तो उसके अलावा भी काफी जो कंप्लेंट्स लोग जो है अपनी एप्लीकेशन लेकर के आए हैं उनका भी हमने संबंधित डिपार्टमेंट को मार्क करके कि ताकि उनका भी समाधान लोगों को मिले तो ऐसी काफी जो है ना लोगों ने एप्लीकेशनें भी दी हैं लिखित में अपनी कंप्लेंट्स दी हैं तो उनका भी उनको समाधान जरूर मिलेगा और जो अपने कुछ लंबित मांगे रह रही हैं अगली मीटिंग में उनको लगभग जो है ना सबको सॉर्ट आउट करेंगे। हर सर्विसेज को बहाल करने के लिए पूरे कदम उठाए हैं और हम हर प्रकार की जो है ना लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए उसके लिए सरकार जो है ना चिंतित है। सरकार जो है ना सारे प्रयास कर रही है कि लोगों को जो है ना ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिले, आने जाने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। और जहां तक रोडवेज की जो हड़ताल की बात है, आज अगर प्रदेश की जनता में जाकर के पूछेंगे बिल्कुल जो है ना ये निराधार है, किसी प्रकार का कोई इसमें तथ्य नहीं है, किसी भी रोडवेज कर्मचारी के इससे कोई अहित नहीं हो रहा है, बिना वजह के जो है ना ये हड़ताल की जा रही है और ये अच्छा नहीं है। सरकार ने जो कदम उठाया, सरकार ने अभी कुछ नए भर्तियां करने की जो है ना योजना बनाई है और जल्दी जो है नए ड्राइवर और कंडक्टर भर्ती करा करके और जल्दी से जो रोडवेज की बसें इनको भी चलाने का काम करे सुचारू रूप से। देखिए यात्रियों के लिए हमने कुछ स्कूलों की बसें, कुछ प्राइवेट बसें, कुछ हमारी अन्य डिपार्टमेंटों से हमने अधिकारी लेकर के कर्मचारी लेकर के हम सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, जहां जरूरी है वहां हम सुविधाएं दे रहे हैं और कहीं भी कोई अभी तो पूरे प्रदेश में कहीं भी लोगों ने ये नहीं कहा कि हमें कोई असुविधा हो रही है, तो बल्कि लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है ये बार बार जो इस प्रकार का काम करते हैं रोडवेज कर्मचारी लोगों को परेशान करते हैं तो इनके खिलाफ जो है ना सख्ती बरतनी जो है ना बहुत जरूरी है और सरकार जो है ना अब की बार पूरी सख्ती बरती है। तो इस तरह रोडवेज वालों पे एस्मा लगाया तो बिजली वालों पे भी एस्मा लगाया? देखिए अगर वो इस पर अपना कदम पीछे नहीं हटाएंगे तो निश्चित रूप में सरकार जो उचित होगा वो कदम सरकार उठाएगी।